नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे इस बुलेटिन में आज की बड़ी खबरों की और यूपी से क्या कुछ खास आपके सामने आ रहा है। रुक करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार ने 10 सीनियर आईआरएस अधिकारियों को नई तैनाती दी है, जिसमें विवेक मिश्र को अहम जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश ईस्ट का पीसीसी आईटी बनाया गया है। बता दें कि विवेक मिश्र 1989 बैच से आईआरएस हैं। बता दें कि 10 सीनियर ऑफिसरों की जो है तैनाती की गई है और उनकी पोस्टिंग में बदलाव किया गया है, जिसमें से एक जो है विवेक मिश्र, जो यूपी ईस्ट के पीसीसी आईटी बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने, जिसका थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन श्रीमान शंकर भाई चौधरी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान मुरलीधर महोल जी, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जगदीश भाई पंचाल, राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष जिनके तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे श्री दिलीप भाई संघाणी, नाफेड़ के अध्यक्ष श्री जेठाभाई भरवाड़, सहकारिता सचिव श्रीमान आशीष भूटानी, क्रिप्को के अध्यक्ष श्री चंद्रपाल सिंह जी, कोंडारू रविन्द्र राव अध्यक्ष नेपकॉप, श्री अजय भाई पटेल गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष, श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष, श्री घनश्याम भाई अमीन राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, श्री अवस्थी एमडी इपको, मिनेश भाई शाह अध्यक्ष एनडीडीबी, श्यामल भाई पटेल अध्यक्ष अमूल, और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले 102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है। 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदय पूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद जी आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में दो विधान, दो प्रधान
दो निशान नहीं चलेंगे ये आंदोलन का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान समाप्त तो हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है। बाबू जी ने इस देश के दलितों के लिए, पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबूजी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की, और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था, और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए, इसी राज्य से गए, इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि बड़े जोर से करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब ने धन्यवाद करना चाहिए। भाइयों बहनों, आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% की सब्सिडी दी। इस मौके पर मैं गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही हूं, साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं, बाद में थैली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। इससे आपका क्रॉप भी बिगड़ेगा, भूमि भी बिगड़ेगी। ये तरल नैनो यूरिया और तरल नैनो डीएपी जो है, प्रवाही यूरिया और प्रवाही डीएपी है, ये पर्याप्त है आपके क्रॉप के लिए, ये पर्याप्त है ज्यादा उत्पादन के लिए। ये दोनों का छिड़काव करने से निश्चित रूप से आपका क्रॉप और भूमि ही बिगड़ेगी, खाने वालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं गुजरात के किसानों, सरकार ने इसको सस्ता किया है, छिड़काव करिए। मोदी जी ने ड्रोन दीदी की योजना लाए हैं, हमारे गांव की बहनों को छिड़काव के लिए ट्रेनिंग करिए और धरती माता के स्वास्थ्य की हम सब चिंता करें। आज भारत सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की है, जैविक उत्पादों को, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए, और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज एनसीओएल के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब दो ब्रांड हमारे पास, एक भारत ऑर्गेनिक जो एनसीओएल का है और दूसरा अमूल, ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास करकर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की है। विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक से आपको मिलने वाला ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसकी जांच करके ही
इस पर भारत ब्रांड और अमूल ब्रांड का थप्पा लगता है। विश्वास के साथ इसको खरीदिए और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अमूल ने भी आज दिल्ली में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की शॉप का उद्घाटन किया है। भाई और बहनों, हमारे देश में सहकारिता कोई ये नया विचार नहीं, 125 साल पुराने इस विचार को हमारे पुरखों ने अपनाया था। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे, गाडगिल जी जैसे, वैकुंठ भाई मेहता जैसे, त्रिभुवनदास पटेल जैसे कई मनीषियों ने इसकी शुरुआत की, परंतु एक समय आया जब ये विचार लड़खड़ा गया और धीरे 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 सहकारिता आंदोलन मंद पड़ता गया, धीरा पड़ता गया। मोदी जी ने सहकारिता की रिलेवेंसी को, आज भी सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है इसको पहचानते हुए नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। आज हम एक मकाम पर खड़े हैं, 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इपको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई, मगर इससे संतोष नहीं लेना है। समय आ गया है कि ये 5 साल में हम ऐसी मजबूत नींव डालें कि अगले 125 साल तक सहकारिता हर घर और हर गांव में पहुंचे। ये हमने करना है। सरकार ने अपना काम कर लिया है और कई सारी नई योजनाएं सरकार लेकर आई है। आज मैं दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। सहकारिता के माध्यम से भारत सरकार ने इथेनॉल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि बढ़े, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेन था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी। आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिए, वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। किसान की तो समृद्धि बढ़ेगी, परंतु साथ में पेट्रोल की आयात कम कर हम देश के खजाने को भी विदेशी मुद्राओं से समृद्ध करने का एक पुण्य कार्य करेंगे। इसी तरह से दलहन में भी 4 दलहन अब जितनी भी करनी है इतनी करिए। नाफेड और हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, ये दोनों के माध्यम से आपका दलहन 100% एमएसपी पर खरीदने का हमने काम किया है और मैं मानता हूं इसका जितना हो सके उतना प्रचार हमने करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज एक थोड़ा हल्का सा जिक्र कोऑपरेशन एमोंग्स कोऑपरेटिव, सहकारिता सहकारी संस्थाओं के बीच में, इसका जिक्र किया है। मैं आज आपके माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं। सहकारिता क्षेत्र का पूरा आर्थिक व्यवहार सहकारिता क्षेत्र में हो, ये अगर हम कर लेते हैं तो हमें सहकारिता क्षेत्र से बाहर एक भी पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ, गुजरात में बनासकांठा और पंचमहल में इसके पायलट प्रोजेक्ट करे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ ये 2 जिलों के अंदर 785 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हम बढ़ाने में सफल हुए, सिर्फ 2 जिले के अंदर। अगर देश के सभी जिलों में हो जाए तो हमारे पास पर्याप्त धन होगा
जिससे सहकारिता का बाग फल फूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा। और 0% इंटरेस्ट पर 23,000 से ज्यादा केसीसी कार्डों का वितरण हुआ है। 3.8 लाख रुपए डेबिट कार्ड जो बहुत कम ऋण में हमारे किसान भाई और दूध उत्पादन करने वाली माताओं को ऋण देता है, वो रुपए डेबिट कार्ड उनको दिए गए हैं। और एक प्रकार से दोनों जिलों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये कार्यक्रम के बाद मैं बनासकांठा और पंचमहल जा रहा हूं, परंतु मेरा नाबार्ड और सभी देश भर की राज्य सहकारी बैंकों से आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को साथ में रखकर, जिला दूध उत्पादक संघ को साथ में रखकर, हर डेयरी, हर पैक्स, हर सहकारी संस्था जिले की अपना अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाएं, अपना सारा जमा राशि, सारा डिपॉजिट कोऑपरेटिव संस्थाओं में करें। इससे सहकारिता क्षेत्र मजबूत भी होगा, पूंजी भी बढ़ेगी और हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव का ये जो कंसेप्ट है, इसको पूरा देश स्वीकार करेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी। सहकार से समृद्धि, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। मैं आप सभी को ये नारे के पीछे का चिंतन बताना चाहता हूं। इस देश में 30 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने 10 साल के अंदर इनकी दैनंदिन जरूरियातों से मुक्त कर दिया। इसको घर दे दिया, घर में बिजली दे दी, शौचालय दे दिया, पीने का पानी दे दिया, 5 किलो खाने का अनाज मुफ्त दे दिया और गैस का सिलेंडर भी दे दिया। ये 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन ये बेसिक सुविधाओं को प्राप्त करने में पूरी पीढ़ियां चली जाती थी। ये सारा काम 10 साल के अंदर मोदी जी ने पूरा कर दिया है। अब उनके पास लक्ष्य नहीं है, मगर उनके पास लक्ष्य है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने बच्चों के लिए स्कूटी लाना चाहता है, घर में एक अच्छा पंखा लगाना चाहता है, मां बीमार है तो कूलर लगाना चाहता है, वो पुरुषार्थ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मगर पूंजी नहीं है। अगर पूंजी नहीं है और देश के विकास के लिए योगदान देना है, पूंजी नहीं है और अपना विकास करना है, तो इसका एकमात्र रास्ता, एकमात्र मंत्र सहकारिता है, इसके अलावे नहीं हो सकता। अमूल इसका उदाहरण, 100 रुपए से ज्यादा पूंजी किसी बहन ने नहीं लगाई है। 35 लाख बहनें आज सिर्फ 100 रुपए की पूंजी निवेश कर 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर रही है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 100 रुपए की सिर्फ पूंजी से नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि जो मंत्र दिया है, ये मंत्र के पीछे आजादी के 75 साल के बाद भी ये जो 30 करोड़ लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके जीवन में आत्मविश्वास, खुशी और समृद्धि देना है। वो परिश्रम करें, अपने पैर पर खड़े हों और उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत की अच्छी नागरिक बनकर भारत के विकास में योगदान दे पाए, इसलिए कोऑपरेटिव को समृद्ध करना है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे कदम उठाए। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस तैयार किया है, कौन से राज्य में कितनी कोऑपरेटिव है, कौन से जिले में कितनी, कौन सी तहसील में कितनी है और कौन से गांव कोऑपरेटिव एक्टिविटी के बगैर के हैं। आज मेरे टेबल पर बैठकर दिल्ली में मैं एक गांव, इसमें डेयरी है या नहीं है, पैक्स है या नहीं है, ये उपलब्ध है। ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रारों के पास भी उपलब्ध है और हमने अभियान चला है 2 लाख पैक्स और डेयरी बनाने का। मैं आज देश भर के जिला रजिस्ट्रार, जिला कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष और दूध संघों के अध्यक्ष को अपील करना चाहता हूं, आप डेटाबेस का उपयोग करिए और जहां खाली जगह है वहां नई सहकारी संस्था स्थापने की शुरुआत करिए, तब जाकर हमारा काम आगे बढ़ेगा। देश का कोई राज्य ऐसा ना हो, कोई जिला ऐसा ना हो
जहां वायबल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और वायबल जिला दूध उत्पादक संघ न हो। ये करेंगे तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे, इसके बेस को विस्तृत कर पाएंगे और समृद्धि हर गरीब के घर पर, हर ग्रामीण के घर में पहुंचाने का हम काम कर पाएंगे। इसलिए हमने सहकारिता से युक्त पंचायत की कल्पना करी। इस देश में आज भी 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है। हमने लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में ये 2 लाख पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम हम सब साथ में मिलकर करेंगे। यहां डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को भी मैं देखता हूं, भैया इलेक्शन का विचार मत करना कि नए गांवों में पैक्स बनेंगे तो आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, आपके भाग्य में नहीं है तो इतने पैक्स भी आपको हरा सकते हैं। हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोचनी चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करोगे तो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़े हुए किसान आपको बार बार चुनकर लाएंगे और फिर से एक बार सेवा करने का मौका देंगे। हम इसमें अवरोध न बने, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें। भाई और बहनों, इसके साथ साथ पैक्स क्यों वीक पैक्स बन जाते हैं इसका भी हमने संशोधन किया, क्योंकि ऋण देने में, कृषि ऋण देने में कोई ज्यादा मुनाफा बचा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। किसानों को सस्ते दर से ऋण मिलना ही चाहिए। तो हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए और मुझे आनंद है कि पैक्स स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर द्वारका तक हर राज्य ने मॉडल बायलॉज एक्सेप्ट किए हैं और सबके बायलॉज बदल गए। हमने पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया, अब पैक्स डेयरी का भी काम कर सकते हैं, पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं, पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं, पैक्स सस्ती दवाई की दुकान भी लगा सकते हैं, पैक्स फर्टिलाइजर भी बेच सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी लगा सकते हैं, पैक्स रेलवे की बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स एरोप्लेन की बुकिंग भी कर सकते हैं, पैक्स सीएससी भी बन सकते हैं। और आज मुझे आनंद है, मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, आज सुबह मैं डेटा लेकर आया हूं, 63,000 में से 48,000 पैक्स ने कोई न कोई नए आयाम को अपने साथ जुड़कर पैक्स को वायबल बनाने का काम। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि नए पैक्स जो रजिस्टर हो वो मॉडल बायलॉज इसके तहत, डेयरी इसके साथ जुड़ी हो, भंडारण इसके साथ जुड़ा हो, खाद का व्यापार इसके साथ जुड़ा हो, सस्ती दवाइयों की दुकान इसके साथ जुड़ी हो। और गुजरात राज्य जैसा राज्य तो इसमें मॉडल बन सकता है, देश भर का मार्गदर्शन कर। भाई और बहनों, इसके साथ हमने 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाए, ऑर्गेनिक सोसाइटी, एक्सपोर्ट सोसाइटी और बीज सोसाइटी। इसके माध्यम से किसानों की समृद्धि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है, ये 3 सोसाइटी की साइट पर जाकर आपने आपके अपने पैक्स को इसके साथ रजिस्टर करिए। सहकारी बैंकों के लिए, नागरिक सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन बनाने का शुरुआत हुआ है और इससे सहकारी बैंकों पर, नागरिक सहकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। एक ही माह में हम सहकारिता नीति लेकर आएंगे, 1100 नए एफपीओ खुल चुके हैं, नए बायलॉज 1 लाख से अधिक पैक्सों ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और एनसीडीसी को 2000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने से एनसीडीसी ज्यादा सहकारी संस्थाओं का भला कर पाएगी, इसका मुझे विश्वास है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य मिला है, पीएसएल के लक्ष्यों की आग्रह जो था इसमें भी 2 साल बढ़ाने का निर्णय किया है। सहकारी बैंकों को व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा 2 गुनी कर दी गई है और आयकर का लाभ और नकद उठाने का सीमा दोनों में बढ़ोतरी की है। मैट में 18% से कंपनियों की तरफ 15% लाए हैं और चीनी सहकारी मिलों के सालों से पेंडिंग चीज थी वो 15,000 करोड़ का उनका इनकम टैक्स के क्लेम को कानून बनाकर निरस्त करने का काम
हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों और बहनों, मैं आज इस माध्यम से देश भर के सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाओं के साथ साथ आह्वान भी करना चाहता हूं कि आइए हम सब साथ में मिले और सहकारिता को हमारे देश का अर्थतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनाए। न केवल स्तंभ बनाए, 30 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में, करोड़ों ग्रामीण लोगों के जीवन में सुविधा, समृद्धि और आत्मविश्वास को जगाने का काम करें, उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का हम प्लेटफॉर्म दें। एक टीम की तरह काम करते हुए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाए, यही मेरी अभ्यर्थना है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं भाइयों और बहनों, 2029 में जब सहकारिता दिन मनाया जाएगा, एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं होगा। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।